पहला कैपेसिटर 2C और ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, तभी इसके ऊपर इनिशियल पोटेंशियल कितना है 2V। एक और कैपेसिटर है C, ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, इसके ऊपर पोटेंशियल क्या है V। दो कैपेसिटर्स हैं और एक स्विच है और साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब इस पे हायर पोटेंशियल है, इस पे लोअर पोटेंशियल है। जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो चार्ज विल मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल और ऑब्वियसली करंट की फॉर्म में। करंट इसलिए क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ना होती तो इमीडिएटली चार्ज हो जाता। किया था हमने कैपेसिटर के अंदर, टाइम लैग ही नहीं होता, पर जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ टाइम लैग है, तो टाइम के साथ करंट इसमें बढ़ेगा, चार्ज इस यहाँ से यहाँ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इस डायग्राम को देखते हुए कि अगर मैंने इनको कनेक्ट किया और स्विच को मैंने क्लोज कर दिया एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, करंट क्या रहा। कायदे से ये क्वेश्चन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का क्वेश्चन है, टाइम के साथ कैपेसिटर चार्ज होता है। पर प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर इनिशियल करंट पूछा है, जब इनिशियल करंट पूछ रहा है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ये सिचुएशन ऐसी ही है इनिशियल। आप किरचॉफ लॉ लगा दें, मान लो इसमें आई करंट जा रहा है, कैसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये रहा। तो इसमें अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 2V, फिर करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस IR, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस V इक्वल टू कितना, जीरो। सॉल्व करके जो करंट आएगा वो आपका इनिशियल करंट ही होगा, पॉइंट नंबर वन। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत देर के बाद, बहुत देर के बाद क्या होने वाला है, करंट गायब होने वाला है, क्योंकि कैपेसिटर कितना ही करंट देगा, जब हायर से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज मूव करेगा कभी ना कभी दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, फिर करंट आना बंद हो जाएगा क्योंकि चार्ज का मूव करना बंद हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, आंसर कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो दूसरा पार्ट भी क्लियर है। तीसरा पार्ट है, वॉट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट टिल द स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन्ड। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है जब करंट आना बंद हो जाएगा और कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, और अभी स्टेट ऐसी है तो आपको कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो निकालनी है। तो जो भी लॉस ऑफ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर आएगी रेजिस्टेंस में। लॉस ऑफ एनर्जी कितनी है, जब स्विच ऑन नहीं किया तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी है हाफ 2C इंटू 2V स्क्वायर, दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी है हाफ इंटू CV स्क्वायर। जब इसको ऑन कर दिया तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल में टू कैपेसिटर्स आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा, हाफ C1 प्लस C2 इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, इन्हें माइनस करेंगे आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बीच बीच में करंट क्या हो रहा होगा, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा होगा, टाइम के साथ वैल्यू चेंज होगी करंट की, तो कैसे चेंज होगा। इसको करने के लिए काम करना पड़ेगा, आपकी जो जो सेकेंड कैपेसिटर है ये वाला, इसमें चार्जिंग हो रही है और इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, हाँ, पर करंट दोनों में सेम है, तो इसमें करंट क्या होगा उसमें निकालते हैं। तो इसके अंदर चार्जिंग के अंदर चार्ज क्या होता था, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई RC। और मैंने आपको स्पेशल नोट में करवाया था कि जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है उसको डिफ्रेंशिएट करके करंट आ सकता है, तो मैंने एक शीट भी लिखी दी थी इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट क्या होता है। तो याद है कैपेसिटर के अंदर ये करंट का फॉर्मूला लिखवाया था, जब करंट ग्रो हो रहा होगा तो कैपेसिटर में ये करंट है, आई नॉट क्या होगा, V बाय आर क्यों, आई नॉट इज इक्वल टू V बाय आर इसलिए क्योंकि आई नॉट का मतलब है स्टेडी करंट, आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट, ऐसे बोल सकते हैं, आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट है। तो मैक्सिमम करंट होगा क्या, मैक्सिमम करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। अब कोई स्टूडेंट कह रहा था कि R तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि R तो यहाँ है ही है, फिर आपने V क्यों लिया, इस केस में आपने जो वैल्यू है वो V क्यों ली, 2V क्यों नहीं ली। आप कोई एक कैपेसिटर ले लो, तो इस कैपेसिटर के अंदर जो मान लो ये आपने कैपेसिटर लिया, तो इस कैपेसिटर में जो वैल्यू होगी वो V डिवाइडेड बाई R होगी, इसके हिसाब से 2V डिवाइडेड बाई R होगी, पर हम जो करंट लेते हैं वो लोअर वाले कैपेसिटर से लेते हैं, तो यानी कि जो लोअर पोटेंशियल के हिसाब से चलता है, तो V डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसमें R होगा, और E रेज टू पावर माइनस T बाई टाउ, टाउ का मतलब टाइम कॉन्स्टेंट। मेडिकल के लिए क्वेश्चन है नहीं वैसे, बता दूँ नॉन मेडिकल के लिए ये वाला पार्ट। तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, RC। अब R और C में R तो एक ही है, पूरे सर्किट में दो कैपेसिटर्स इन्वॉल्व हैं और कॉमन पोटेंशियल होने के बाद दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल,
तो सी इक्वलेंट लेना है सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, इसको यहां पुट करके आंसर आएगा। नॉन मेडिकल के लिए वो भी हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन होगा नॉन मेडिकल का, मॉडरेट और इजी में से नहीं है, मेडिकल में तो नहीं आएगा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है इसमें। ये क्वेश्चन देखो, ये आ सकता है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में, एनसीईआरटी में नहीं आएगा लेकिन। तो क्वेश्चन है रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द फिगर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और गलती होने का पूरा चांस हो सकता है इसमें। रूल नंबर वन, इसमें ग्रोथ ऑफ करंट इंडक्टर में होगा तो ये क्वेश्चन इंडक्टर पे है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है एल बाई आर, तो अब इसमें जब ग्रो हो रहा होगा करंट तो मैं इसे ऑन करूँगा तो करंट इसमें जाएगा तो ग्रो होगा, ये इंडक्टर 2R के साथ कनेक्टेड है यानी कि LR सर्किट है, इसकी खुद की रेजिस्टेंस 2R है, तो जब ग्रो हो रहा होगा तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा L डिवाइडेड बाय कितना 2R, क्योंकि ग्रो करने के लिए आपको सिर्फ यही करंट देखना है यहां कितना करंट गया, आपको क्या लेना देना क्योंकि ये करंट इंडक्टर में तो गया नहीं, हमने ग्रो में वही करंट देखना है जो इंडक्टर में गया, इंडक्टर में करंट गया किस रेजिस्टर के थ्रू गया 2R के थ्रू गया, इसलिए L डिवाइडेड बाय 2R होगा। लेकिन जब डीके करेंगे, डीके करने का मतलब होता है बैटरी को हटा देना, बैटरी को हटा दिया तो जो इंडक्टर का करंट है वो किस में से जाएगा, वो उसका ऑप्शन बचा ही नहीं, वो इसके थ्रू जाएगा, अब यानी कि 2R के साथ R भी किस में कनेक्टेड हो गया सीरीज में, तो टाइम कॉन्स्टेंट अब दूसरे केस में क्या होगा L डिवाइडेड बाय 2R नहीं L डिवाइडेड बाय 3R, ये समझ में आ रहा है। डीके के अंदर तो 2R के साथ R लेना पड़ेगा पर ग्रोथ में R नहीं लेना क्योंकि ग्रोथ में आपको सिर्फ यही करंट चाहिए जो 2R के थ्रू आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में। तो टाइम कांस्टेंट T1 T2 आएगा, tau 1 tau 2 tau 2 आएगा, इन्हें डिवाइड करके आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो वी ए माइनस वी बी निकालना है आपको, इसमें वी ए और वी बी का डिफरेंस निकालना है। अब इसमें देखो करना क्या है, जब कब निकालना है ये इंपॉर्टेंट है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब जब मैक्सिमम करंट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट का मतलब पी करंट हो जाएगा, तो जब करंट इसमें मैक्स हो जाएगा तो इंडक्टर क्या कहता है, इंडक्टर कहता है देखो ऐसा करंट मैक्स हो गया तो मैं तो अब कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करूंगा, तो मेरे अंदर से करंट पास करो, मेरी तरफ से जीरो रेजिस्टेंस है। तो सोचो जो भी 2 एम्पियर करंट गया
उसको दो हिस्सों में डिवाइड होने, इंडक्टर इसको जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो सारा का सारा करंट ही इसमें से चला गया, शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। करंट को एक ऐसा रास्ता मिल गया जो रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर रहा, तो एक ऐसा रास्ता जो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा तो सारा करंट ऊपर से चला गया, तो यानी कि ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेजिस्टेंस रह गई, 6 ओम। और जब स्टेडी करंट है तो नीचे में इंडक्टर की हेनरी काम नहीं आएगी, पर ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है 2 ओम, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 ओम में से करंट पास होगा, तो नीचे भी कितना हो गया, 6 ओम हो गया। आपको इस क्वेश्चन में ऊपर करंट 2 एम्पियर गिवन है, तो नीचे भी 2 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 6 ये भी 6, तो टोटल 2 और 2 सेम करंट जाएगा, गिवन ही है हालांकि, पर आप बना सकते हो यहाँ पर 2 एम्पियर होगा। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, 6 और 6 पैरेलल में, तो क्या आएगा, 3 3 और 3 किस में, सीरीज में, क्या आएगा, 6। तो ये 2 और 2 एम्पियर मिलके कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर अगर 6 ओम में जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 24 आंसर। अब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया ना, VA माइनस VB निकालो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई आंसर आएगा। ठीक, 7th key is closed at time t is equal to 0, तो at time t is equal to 0 key को बंद किया, current I1 है at time t is equal to 0 और I2 है at time t is equal to infinity, तो I1 I2 की ratio क्या होगी, मुझे एक बात बताओ, जब time 0 है, नहीं उससे भी पहले, दो batteries हैं, इस battery की resistance आ रहा है, इसकी तो है ही नहीं, तो पहले current electricity लगा के दो battery की जगह एक battery लगाओ, तो हमने फॉर्मूला किया था ना E1 R2 E2 R1 by R1 plus R2, तो एक बैटरी की वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R है और एक की 0 है, तो आंसर क्या आएगा, V, और रेजिस्टेंस भी क्या आएगी, इक्विवेलेंट 0, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बैटरीज हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी और इसकी क्या आएगी, R1 into R2 divided by R1 plus R2, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 0, यानी कि इन दो बैटरी की जगह मैं एक बैटरी लगाने वाला हूँ, इन दो की जगह एक बैटरी लगेगी, वी वोल्ट की बैटरी है और जिसकी रेजिस्टेंस है ही थी। अब सोचो एट टाइम टी इक्वल टू 0 इसमें से करंट निकला, टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसे ज्वाइन करेंगे, इंडक्टर अपने अंदर से करंट को पास होने देता नहीं, तो फिर करंट कितना गया, वी डिवाइडेड बाय आर, और आर मिला के कितना हो गया, 2R, तो इनिशियल करंट क्या होगा, वी बाय 2R। अब एट टाइम इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, इंडक्टर कहते हैं देखो मेरे अंदर से करंट पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ नहीं ऑफर करूंगा, तो करंट को अब ये रास्ता पसंद नहीं आएगा, सारा करंट यहां से जाएगा, तो क्या आएगा, V डिवाइडेड बाय सिर्फ R, तो V बाय R, तो आपको करंट की रेशियो निकालनी है, V बाय 2R, V बाय R, रेशियो आ जाएगी 1:2। मेथड समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट 7th के बाद 8th। एक्सक्यूज मी सर। हां जी सर, 6th क्वेश्चन में जो 2H वाला है उधर से हमने रेजिस्टेंस नेगलेक्ट क्यों नहीं किया, ये वाला नहीं सर, नीचे जो 2H है इस क्वेश्चन में कि ऊपर में, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में ही जो नीचे 2H है उधर से आपने रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया, स्टेडी स्टेट है ना, स्टेडी स्टेट में 2H का क्या करना है, इंडक्टर का रोल ही नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस ले लो 2R, 2 ओम बस। सर ऊपर आपने रेजिस्टेंस 0 बोला है 4H वाले में, तो यहां पे 0 क्यों नहीं है, हाँ तो जीरो ले लो ना, XL 0 है ना, XL होगा नहीं, इसकी रेजिस्टेंस है ही नहीं, R तो है ही नहीं, इसका XL 0 करो, R तो है ना इसका, LR सर्किट है, R तो लो, H छोड़ो,
नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, स्विच इज इन पोजीशन ए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग का मतलब इसमें स्टेडी स्टेट है और करंट इसमें मैक्सिमम है। तो ये स्विच बहुत देर के लिए ऐसे है, तो इसमें करंट है कितना? ई डिवाइडेड बाई आर। एल का तो कोई रोल है ही नहीं। अब इसमें करंट ई बाई आर है, आपने फटाफट ए को बी से जोड़ दिया, तो यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी होने वाली है हाफ एल आई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। अब वो एनर्जी क्या करेगी? इसमें करंट देगी। जब इसमें करंट देगी तो करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो फोर्स से ये रॉड मूव करेगी। इनिशियली वो रेस्ट पे है, जब वो मूव करेगी तो वेलोसिटी एक्वायर करेगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर करेगी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम यहाँ पर फोर्स निकाल लें, फिर हम एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर इंटीग्रेशन से एक्सेलेरेशन को लिखें डी वी बाई डी टी, सॉल्व करके इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लें। कब? बहुत देर के बाद, जब मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये लंबा काम है, ऐसा मत करें। आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, इसमें इंटीग्रेशन करनी नहीं पड़ेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि इनिशियली रॉड की एनर्जी क्या थी? जीरो काइनेटिक, रेस्ट पे पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी मैक्स हो गई, क्योंकि फोर्स लगनी स्टार्ट हुई बी आई एल, तो ये एक्सलरेट हुई तो वेलोसिटी मैक्स हो गई, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। तो ये क्या आ गई? चेंज इन एनर्जी। अब ये एनर्जी आई कहाँ से? किसी ने तो वर्क डन किया या किसी ने तो एनर्जी दी। वो एनर्जी कौन दे रहा है? वो इंडक्टर दे रहा है। और इंडक्टर एनर्जी कितनी दे रहा है? हाफ एल आई स्क्वायर, जो इसके पास इनिशियल थी। और आई क्या होगा इसमें? ई बाय R इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सॉल्व करके वी की वैल्यू आ जाएगी। ये ज्यादा बेटर एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है यहां तक? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट नाइन्थ। क्वेश्चन है, इन एलसी सर्किट द कैपेसिटर हैज अ मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। तो एल और सी सर्किट में मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट। द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी मैक्स की वैल्यू इसमें क्या होगी? ठीक है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू इसमें मैक्सिमम क्या होगी? एक बात बताओ, एल और सी जब इकट्ठे होते हैं तो एल सी ऑसिलेशन होती हैं, और एल सी ऑसिलेशन मैथमेटिकली हमने की थी। अगर आपको याद हो एल सी ऑसिलेशन, उसमें यह डिस्कस किया था कि चार्ज पीरियोडिकली एल और सी में जाता है, और पीरियोडिकली में हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। हालांकि आप चाहो तो साइन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन या कॉस कुछ भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिकली चार्ज कैपेसिटर चार्ज होता है। तो ये आपके पास चार्ज है, तो कैपेसिटर का करंट क्या होगा? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, मेडिकल के लिए नहीं है, नॉन मेडिकल के लिए। वो इसलिए डबल डेरिवेटिव यूज होने वाला है। करंट आ गया, अब आपको ये क्या निकालना है? डी आई बाई डी टी। करंट आ गया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो डी आई बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके एक और आंसर आएगा।
तो चार्ज को डिफरेंशिएट करके डी आई बाई डी टी, एक बार और डिफरेंशिएट करके डी आई बाई डी टी। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? वन। तो वन पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी। एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करती है, उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है? वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। तो ओमेगा नॉट की जगह वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी पुट करेंगे तो आंसर क्यू नॉट बाई एल सी आंसर आएगा। चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता। चाहे साइन यूज करो चाहे कॉस, कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आता है। और मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचते हैं इसे? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, फिगर शोज थ्री सर्किट्स विद आइडेंटिकल बैटरीज। तो ये आइडेंटिकल बैटरीज है, और रैंक दी सर्किट्स अकॉर्डिंग टू करंट्स थ्रू दी बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो जैसे स्विच इसमें क्लोज करेंगे तो आपको बताना है कि करंट इसमें किसमें ज़्यादा किसमें कम होगा। तो रूल नंबर वन, जब आप इसे ऑन करेंगे, इंडक्टर टी इज इक्वल टू जीरो पे डीसी बैटरी है, कहेगा मैं करंट को पास होने दूंगा नहीं, तो आई वन क्या होगा? जीरो। अब करंट जैसे ही ऑन करेंगे, इंडक्टर कहेगा मैं करंट को पास होने दूंगा नहीं, तो करंट यहां से जाएगा, कितना जाएगा? आई टू इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर, ई बाई आर। तीसरे केस में क्या होगा? जो इंडक्टर है ये पास होने देगा नहीं, तो ई डिवाइडेड बाई टू आर। तो देख लेना फिर करंट किसमें ज्यादा किसमें कम, आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट थ्रू द इंडक्टर इज गिवन, और कैपेसिटर भी गिवन है। इंडक्टर कैपेसिटर का करंट गिवन है। अब क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में करंट, नेट करंट कैसे निकलता है? इंडक्टर कैपेसिटर का करंट आपस में ऑपोजिट होता है, फेजर किए थे हमने। इंडक्टर कैपेसिटर का ऊपर होगा, इंडक्टर का नीचे, तो नेट करंट क्या होगा? दोनों को माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक, फेजर हमने किए थे करंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सर्किट के अंदर आर सी एल फिर से पैरेलल में, और इसके अंदर एक्स एल किसके इक्वल है? एक्स सी बाई टू इक्वल टू आर, यानी कि एक्स एल किसके इक्वल है? आर। एक्स सी किसके इक्वल है? टू आर। क्या निकालना है? पीक करंट। पीक करंट क्या होगा? पीक करंट होगा पीक वोल्टेज वी नॉट अपॉन जेड। अब इम्पीडेंस एल सी आर इन पैरेलल की क्या होती है, सब छोड़ो, हमने किया है। तो इम्पीडेंस पैरेलल में ये फॉर्मूला किया हमने, तो इसमें एक्स सी की जगह टू आर और एक्स एल की जगह आर, सॉल्व करके क्या आएगा? जेड। तो आई नॉट क्या होगा? वी नॉट बाय जेड, आंसर। ये रहा, ठीक यहां तक। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट,
ओनली फॉर नॉन मेडिकल, मेडिकल में देखे भी ना इसे। और नॉन मेडिकल का भी है तो ये एडवांस का क्वेश्चन, पर वैसे हिंट दे के छोड़ देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आना मुश्किल है, लंबा है क्योंकि। तो क्वेश्चन है कि एक इंडक्टर है, रेजिस्टर है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, रेजिस्टर है, मैंने इसको स्विच को ऑन किया, तो मुझे ये बताना है कि जब टाइम 10^-3 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये इकट्ठा है नेचुरल लॉग, इस टाइम पे करंट कितना होगा टोटल बैटरी में से, ये बताना है कि बैटरी कितना करंट रिलीज करेगी इतने टाइम पे। अब वो जो बैटरी का करंट है कुछ इंडक्टर में जाएगा और कुछ कैपेसिटर में जाएगा, तो इंडक्टर में क्या हो रहा होगा ग्रोथ ऑफ करंट, और कैपेसिटर में क्या हो रहा होगा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो आप पहले क्वेश्चन करेंगे इंडक्टर के लिए चार्जिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ अ करंट इन इंडक्टर, एक बार करेंगे कैपेसिटर के लिए, फिर दोनों करंट को ऐड करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा। मैंने ट्राई तो किया है, काफ़ी लंबा है पर मुझे लगता नहीं है मेंस में कहीं भी आने वाला है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, पर मैंने तरीका बता दिया। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म में नॉन मेडिकल वालों को तो कैसे करना, आइडिया दे दिया। इसमें दोनों के दोनों पूछ लिए, चार्जिंग भी कर दिया और ग्रोथ ऑफ करंट भी कर दिया, जबकि एक ही क्वेश्चन आता होता है, या चार्जिंग का या ग्रोथ का। बट चलो इन एनी केस ये हमने नहीं करना, नेक्स्ट करना है। तो इसके अंदर R, C और L गिवन है, और एक इस रॉड को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ क्या V। तो मोशनल EMF की प्रॉब्लम है BLV, राइट। तो इसमें इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो जो भी यहाँ से करंट पैदा होगा इंड्यूस करंट BLV/R, वो कहाँ जाएगा इनमें जाएगा। अब क्वेश्चन है कि B गिवन है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, तो BLV तो कॉन्स्टेंट है, BLV/रेजिस्टेंस जो भी इसमें होगी वो भी करंट भी कॉन्स्टेंट है। अब जब करंट कांस्टेंट है, देखो शुरू में कांस्टेंट नहीं, ऐसे बोलना चाहिए कि शुरू में तो ये रॉड रेस्ट पे थी और लेंथ इसकी गिवन है, तो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी उसके बाद हमने राइट से मूव करवाने से शुरू कर दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर द करंट थ्रू रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर एट टाइम टी रिस्पेक्टिवली गिवन है। अब टाइम टी पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही हो जाएगी ऑब्वियसली, तो मुझे ये पता है कि इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप कितनी होगी बीएलवी। तो BLV अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास 8 वोल्ट आता है, तो जो 8 वोल्ट यहां डेवलप होगा वो यहां और यहां और यहां भी डेवलप हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है। तो चलो यहां से शुरू करते हैं इंडक्टर में, इंडक्टर में 8 वोल्ट है। आपको L की वैल्यू बतानी है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं आपको इसमें क्या निकालना है करंट बताना है, I3 बताना है। L आपको क्वेश्चन में गिवन है, इंड्यूस्ड EMF 8 वोल्ट है, तो लगाओ इंडक्टर के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू LdIdt। तो पोटेंशियल कितना डेवलप होगा इंडक्टर में 8, एल कितना है इसमें 4, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा DI/DT। तो करंट इस रेट से इंडक्टर में इंक्रीज हो रहा है, पर हमें 2 सेकंड पे करंट बताना है, तो आप टाइम को 2 सेकंड पुट करो, 2 × 2 क्या हो गया
चार, तो 2 सेकेंड पे करंट है इसमें 4 एम्पियर। तो रूल समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इंडक्टर आपको डी आई बाई डी टी देगा, पर आपको टाइम की वैल्यू पुट करके 2 सेकेंड आपको डी आई की वैल्यू नहीं पता लग जाएगी, एक आंसर। रजिस्टर में कितना करंट होगा? रजिस्टर में ओम लॉ, ये 8 वोल्ट है, 8 को आर की वैल्यू से डिवाइड करते हैं 2, तो 8 बाई 2 क्या हो गया? 4 वोल्ट। तो आंसर वैल्यू करंट आ जाएगा इसमें 4, क्योंकि 8 है, आर पता है, तो करंट आ गया। तो इसमें तो आपको सिर्फ I3 पूछा है, तो I3 तो निकाल ही लिया हमने L में। फिर अगले पार्ट में ये पूछा है फोर्स रिक्वायर्ड टू, और हाँ कैपेसिटर में, सच कैपेसिटर में कुछ नहीं डेवलप होगा, करंट नहीं होएगा इसमें, 8 वोल्ट कॉन्स्टेंट है क्योंकि, तो करंट तो इसमें अगर ये 8 वोल्ट है तो भी 8 वोल्ट है। तो इमेजिन करो एक कैपेसिटर 8 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और वो चेंज नहीं हो रहा, जब चेंज ही नहीं हो रहा कैपेसिटर के अक्रॉस तो करंट चेंज नहीं होगा, तो कैपेसिटर करंट को पास होने नहीं देगा, तो कैपेसिटर का करंट इसमें 0 ही रहेगा। ठीक, ये कौन सा बैटरी है कि दबाया है हमने, 8 वोल्ट कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की बात खत्म। तो अब इस केस में जो नेक्स्ट है, फोर्स रिक्वायर टू मूव द वायर विद गिवन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा? कितनी फोर्स से हम इसको मूव करवाएंगे विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड जब टाइम की वैल्यू क्या है? 2 सेकेंड है। तो ऐसा करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल लगेगा, बी मेरे को पता है, लेंथ मुझे पता है, मुझे करंट बताना है इसमें। अब करंट निकालने के लिए काम करना पड़ेगा 2 सेकेंड पे। रजिस्टर का करंट मैंने आपको निकालना सिखाया 4 है, कैपेसिटर का तो है ही नहीं मैंने बता दिया, है नहीं क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा? सी, ना सी चेंज हो रहा है ना ई चेंज हो रहा है। और इंडक्टर में हमने ऑलरेडी ए पार्ट पे निकाल लिया, तो तीनों को करंट को ऐड करेंगे तो टोटल करंट कितना है जो रॉड में जाएगा? वो 8 एम्पियर जाएगा, 4 एम्पियर इंडक्टर का, 4 एम्पियर रजिस्टर का एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है यहाँ का? कैपेसिटर में जाएगा नहीं, तो बी आई एल में करंट की जगह क्या पुट करेंगे? 8 एम्पियर आंसर। ठीक, क्योंकि रॉड के अंदर जो करंट होने वाला है वो सम होने वाला है इन तीनों करंट का, इसमें तो होगा नहीं, तो I1 प्लस I2 होगा, कब? एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट है, इसी के अंदर आपको निकालना है फिर 2 सेकेंड के ऊपर, मान लो P इज द टोटल पावर जनरेटेड बाय अप्लाइड फोर्स, P का मतलब टोटल पावर है, P1 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर की पावर है, और P2 का मतलब रेजिस्टेंस की पावर है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। टोटल पावर में काम करें, रॉड के ऊपर टोटल फोर्स हमने निकाली हुई है और वेलोसिटी हमें पता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी करके पावर आ गई, एक आ गया। दूसरा P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू का मतलब है कि जो इंडक्टर की पावर है, ये गलत किया हुआ है, इंडक्टर की पावर ये एनर्जी ऑफ इंडक्टर है हाफ एल आई स्क्वायर, ये पावर थोड़ी ना है, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये गलत किया हुआ है। हाँ, रजिस्टर का सही किया हुआ है, आई स्क्वायर आर, तो लेकिन चांस की बात है कि रजिस्टर से ही आंसर आ गया, रजिस्टर की पावर जो है P2 32 जूल पर सेकेंड आंसर आ गया, बाकियों पर आएगा नहीं वैसे बता दूँ मैं आपको, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। इंडक्टर की इसलिए हमने नहीं कर पाए क्योंकि ये एनर्जी ऑफ इंडक्टर है, जबकि हमने पावर की बात हो रही है, तो पावर ऑफ इंडक्टर क्या होगी? एनर्जी अपॉन टाइम, इसको टाइम से भी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे किया नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, 16th क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिंग करंट है डायरेक्ट करंट है? 16th क्वेश्चन में, 16th क्वेश्चन ये वाला, ये वाला, यस सर। ऑल्टरनेटिंग तो किसी भी हालात पे नहीं हो सकता, ऑल्टरनेटिंग में तो सोर्स ऑल्टरनेटिंग लगाना पड़ता है साइनोसाइडल, कभी भी रॉड खींचने से साइनोसाइडल, हाँ ठीक है ना, क्योंकि I is equal to V by R होगा तो ओमेगा तो जीरो ही हो जाएगा। आप इतना सोच भी क्यों रहे हैं, जब एक मोशनल EMF की प्रॉब्लम है हमेशा बैटरी लगाते आए हैं, इमेजिन करो रॉड की जगह एक बैटरी है, ऑल्टरनेटिंग तो सिर्फ जनरेटर ही पैदा कर सकता है, रॉड खींचने से ऑल्टरनेटिंग हो ही नहीं सकता, लूप जब घूमता है तभी ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है, अदरवाइज कोई ऑल्टरनेटिंग नहीं है। और वैसे भी अगर ऑल्टरनेटिंग है ना तो गारंटेड सिंबल गिवन ही होगा ऑल्टरनेटिंग का, यही गिवन ही होगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, अदरवाइज तो बैटरी ही बैटरी चलती है। ठीक, नेक्स्ट, यस सर, इसमें ई, आपको इस क्वेश्चन में ई पता है, एल पता है, R1 पता है, R2 पता है, मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इंडक्टर ने मना कर दिया, मैं तो करंट को पास होने दूंगा नहीं, तो बोलो करंट क्या होगा? ई डिवाइडेड बाई R2, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0
आर वन के अंदर करंट क्या होगा, जीरो, इंडक्टर पास नहीं होने देगा, तो आर वन का करंट जीरो। आर टू का करंट क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई आर टू, ये देखो ई डिवाइडेड बाई आर टू, वैल्यू पुट करोगे तो 3 एम्पियर आएगा, ठीक है। ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पे इंडक्टर क्या कहता है कि मेरे अंदर करंट पास कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो यानी कि अब दो रजिस्टर आर वन आर टू है, तो करंट आर वन आर टू में जाएगा, तो इसका कोई रोल है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई ई और ई बराबर पैरेलल है, तो इसमें करंट क्या होगा ई बाय आर वन, इसमें करंट क्या होगा ई बाय आर टू। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बन गई, इंडक्टर हटा दो चाहे तब भी चलेगा। तो मैथ दी फॉलोइंग कर लेना इसमें। नेक्स्ट, ओनली फॉर नॉन मेडिकल के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इंडक्टर है, एल पता है, आर वन पता है, आर टू पता है, 12 वोल्ट की बैटरी पता है, स्विच एस को क्लोज किया एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो नॉन मेडिकल लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ, यानी कि ग्रोथ ऑफ करंट होने वाला है टाइम के साथ। आपको ग्रोथ ऑफ करंट में करंट की वैल्यू कैसे ग्रो करती है वो तो पता ही है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होता है, इनफाइनाइट टाइम पे। जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो इंडक्टर कहेगा मेरे को कोई टेंशन नहीं, अब जितना मर्जी करंट पास करो मेरे अंदर। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, पैरेलल में। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, तो मैक्सिमम करंट भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यूज और टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा, इसमें टाइम कॉन्स्टेंट होगा करंट जो इसमें जाएगा, हम उसमें इंटरेस्टेड है जो ग्रो कर रहा है। तो क्या होगा, L डिवाइडेड बाई R2, R1 का कोई रोल नहीं है, डीके के अंदर R1 का रोल होता है, ग्रोथ में R1 का रोल नहीं है, तो L डिवाइडेड बाई R2, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट आ गया। तो सॉल्व करके सारी वैल्यूज इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा आपके पास T की फॉर्म में, पर उसने I नहीं पूछा, उसने तो V पूछा। तो इंडक्टर में V होता क्या है, एल डी आई बाई डी टी। तो L आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस I को डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉन मेडिकल वाले, डी बाई डी टी करेंगे, आंसर आएगा। एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है। आई तो निकालना आता है ये ग्रोथ ऑफ करंट, पर वी निकालने के लिए एल डी आई बाई डी टी, एक स्टेप डिफ्रेंसिएशन का, मेडिकल भी नहीं आएगा।